जब तरबूज मीठे ना हो तो उसे खाने में मजा नहीं आता, तो उस तरबूज का क्या करेंगे? तो ये मिठाई बनाइए उस तरबूज से। बच्चे हो बड़े हो सभी ये मिठाई को चट कर जाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं अपने तरबूज की मिठाई। तरबूज की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें तरबूज चाहिए। तो देखिए मैं तरबूज को ग्लास से कुछ इस शेप में काट ली हूँ, तो मैं यहाँ एक कटोरी तरबूज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तरबूज हमें क्वांटिटी में कितना चाहिए वो मैं आगे रेसिपी में बताऊंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार और उसमें मैं 3 तरबूज को छोटे छोटे पीसेज में काट लूंगी। 3 तरबूज यानी कि मैं जितने कटोरी में तरबूज रखी थी उसमें से मैं 3 तरबूज को छोटे छोटे पीसेज में काट के इसका मैं एक एकदम जूस बना लूंगी। तो देखिए मैं यहाँ तरबूज के बीज को भी नहीं निकाली हूँ, बीज के साथ ही मैं तरबूज को पीस ली हूँ। तो देखिए तरबूज अच्छे तरीके से पीस चुका है। तो अब मैं लूँगी एक छन्नी और छन्नी की मदद से सारे तरबूज के जूस को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तरबूज का जूस निकालते समय एक बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी न डालें। इसमें इतना पानी होता है कि ये बिना पानी का ही पिस जाता है बहुत आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ मैं सारे तरबूज के जूस को बाहर निकाल ली हूँ। अब मैं लूँगी एक दूसरा बाउल और उसमें मैं डालूँगी 1 कप के करीब कॉर्नफ्लोर। तो चलिए कॉर्नफ्लोर तो मैं ले ली। अब जिस कप से मैं कॉर्नफ्लोर को नापी थी उसी कप से मैं यहाँ 3 कप तरबूज का जूस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसीलिए मैं बोली थी कि आपको तरबूज कितना पीसना है वो आगे वीडियो में देख लीजिए। तो देखिए हमें यहाँ 1 कप कॉर्नफ्लोर के लिए 3 कप तरबूज का जूस चाहिए। तो अब तरबूज और कॉर्नफ्लोर के जूस को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा। अब हम इस मिठाई को बनाने के लिए बनाएंगे चाशनी। तो सबसे पहले गैस पर रखिए एक पैन और पैन में मैं डाली हूँ 1 कटोरी के करीब चीनी। जितना मैं कटोरी में चीनी ली थी उतना ही अब मैं इसमें हाफ पानी डालूंगी, यानी कि 1 कटोरी चीनी के लिए हमें यहाँ 1/2 कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है। अब मैं इस चाशनी में डालूंगी 2 ड्रॉप के करीब रेड फूड कलर। मैं यहाँ फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी बिना कलर का बनाना है तो ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है बिना कलर का बनाइए। तो देखिए इस चाशनी में जब एक तार आने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका चाशनी बन के तैयार हो गया है। तो देखिए ये चाशनी एक तार के बन के तैयार हो गया है। अब मैं इस चाशनी में डालूंगी जो हमने तरबूज के जूस बनाए थे वही अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तरबूज के जूस को डालते समय एक बात का ध्यान रखें कि डालने से पहले तरबूज और कॉर्नफ्लोर को अच्छे तरीके से मिला लें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है और कॉर्नफ्लोर ऐसे ही आपके कटोरी में रह जाएगा तो ये रेसिपी गलत हो जाएगी, यानी कि अच्छी नहीं बनेगी। कॉर्नफ्लोर डालते जाइए और इसे लगातार चलाते रहिए। तो देखिए जैसे ही आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालिएगा यानी कि तरबूज का जूस डालिएगा ये काफ़ी थिक हो जाता है। तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। तो देखिए अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब घी। घी डालने से ये मिठाई काफ़ी सॉफ्ट बनेगी और शाइनी बनेगी। तो देखिए अब मैं इसमें डाली थी करीबन 2 से 3 बड़ा चम्मच काजू, यानी कि काजू को मैं बहुत बारीकी से काट के डाली हूँ, वो मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाई इसके लिए सॉरी। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है उसे बारीक बारीक काट लीजिए और इसमें डाल दीजिए। तो देखिए अब ये तरबूज की मिठाई अच्छे तरीके से पक चुकी है। देखिए जब मैं इसे चला रही हूँ यानी कि मिक्स कर रही हूँ तो ये पूरे पैन को छोड़ दे रहा है। एक और तरीका है इस रेसिपी को चेक करने के लिए, देखिए जो कड़छी में लगा हुआ था उसे हम साइड में निकालेंगे तो बहुत आसानी तरीके से वो साइड से निकल जाता है। तो देखिए अब ये मिश्रण बनके एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सेट कर लेते हैं। आप इस मिठाई को जिस भी शेप में बनाना चाहते हैं उस बर्तन में आप इसे पलट ले। तो देखिए मेरे पास ये केक टिन है तो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी अच्छे तरीके से घी। घी आप यहाँ कोशिश कीजिएगा कि मेल्टेड घी का इस्तेमाल करें। घी डालने के बाद इसको चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लीजिएगा। फिर मैं इसमें मिश्रण को डाल दूंगी, यानी कि जो हमने तरबूज की मिठाई बनाए थे वो इस केक टिन में डाल देंगे। केक टिन में डालने के बाद इसको चारों तरफ बहुत जल्दी से फैला लीजिएगा, यानी कि बहुत जल्दी ये सेट होने लगता है। तो देखिए जो सिलिकॉन वाले स्पेचुला आते हैं ना उसमें थोड़ी सी घी लगा लीजिए और घी लगाने के बाद इसको चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लीजिएगा। इस स्पेचुला से बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ फैल जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए चारों तरफ अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इस बैटर को आप 3 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दीजिएगा। इसे फ्रिज में मत रखिएगा, फ्रिज में रखने से तो बहुत जल्दी सेट हो जाएगा लेकिन ये चिपचिपा बनेगा। इस मिठाई को रूम टेम्परेचर पे आप 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, बहुत आसानी तरीके से यह मिठाई सेट हो जाती है। तो देखिए अब ये 3 घंटा हो गया है और ये मिठाई बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गई है। तो सबसे पहले साइड में आप चाकू से इस तरीके से खुचट दीजिए ताकि आसानी से ये बाहर निकल जाए।
तो देखिए कितने आसानी तरीके से ये मिठाई बाहर निकल गई है। तो अब इसे मिठाई को आपको जिस भी शेप में काटना है उस शेप में काट लीजिए। बस काटने के बाद यानी कि आपको जिस शेप में भी इस मिठाई को बनाना है बहुत आसानी तरीके से ये कट जाती है। तो अब मैं यहाँ आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आप इस मिठाई को इसी तरीके से खाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन मैं इस मिठाई को थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, तो थोड़ा सा मैं लूँगी नारियल का बुरादा और नारियल के बुरादे में अच्छे तरीके से मैं इन सभी मिठाई को कोट कर लूँगी। नारियल के बुरादे में कोट करने से ये मिठाई का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लीजिए बन के तैयार हो गया हमारा तरबूज का मिठाई। बच्चे हों बड़े हों दोनों को बहुत पसंद आने वाली है ये मिठाई की रेसिपी। एक बार इस तरीके से तरबूज की मिठाई बना के खाइए, इस मतलब जो सिंपल तरीके से तरबूज आप खाते हैं ना वो खाना भूल जाएंगे। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।